हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। तो मैं एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ में। तो गाइस, इस वीडियो में हम न्यू इवोल्यूशन कार के बारे में बात करने वाले हैं, साथ साथ हम बात करने वाले हैं न्यू विंटरलैंड इवेंट में आने वाले बंडल्स की और हमारे क्रोनो कैरेक्टर की कि हमें टॉप ऑफ रिवॉर्ड में देखने को मिलेगा या नहीं, और भी छोटी मोटी अपडेट्स है आप लोगों को बताने के लिए। तो यार, वीडियो शुरू करने से पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हो और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर लो और उसी के साथ साथ एक बेल आइकन बन के आ रहा होगा, बेल आइकन पे क्लिक करके उसको ऑल पे सेट कर देना ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। तो चलिए चलते हैं सीधे वीडियो पर। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक ग्लोवल की स्किन दिखाने वाला हूँ जो कि साइतामा के ऊपर बेस्ड होने वाली है। वैसे मैं पहले दिखा चुका हूँ पर पहले इतनी क्लियर वीडियो नहीं मिली थी जितनी क्लियर अभी मिल चुकी है। तो गाइस, देख सकते हो आप लोग, साइतामा वाला जो हमारा कैरेक्टर है उसका इवेंट आने वाला है फ्री फायर के अंदर, और मोस्ट प्रोबेबली वो हमें जनवरी में ही देखने को मिलेगा क्योंकि यार क्रोनो इवेंट खत्म होते से ही हमें विंटरलैंड इवेंट देखने को मिलने वाला है। तो साइतामा इवेंट में थोड़ा सा टाइम है, तो उसके अंदर हमें न्यू ग्लोवल की स्किन देखने को मिलेगी। एंड गाइस, बहुत ही ऑसम लग रही है, लिटरली मुझे लगा नहीं था कि इतनी अच्छी लगेगी गेम के अंदर, बट बहुत अच्छी लग रही है यार। हो सकता है कि हमें टॉप ऑफ रिवॉर्ड में देखने को मिले, बट माइट पॉसिबल है कि शायद से किसी और इवेंट में दे दे, बट 90% चांसेस तो यही है कि हमें टॉप ऑफ रिवॉर्ड में ही देखने को मिलेगी। एंड गाइस, अब हम बात करते हैं हमारे न्यू इवोल्यूशन स्कार के बारे में जो कि मैगलोडॉन स्कार होने वाली है, शार्क की थीम पर होने वाली है। तो मैगलोडॉन जो नाम है वो एक शार्क की स्पीसीज का नाम है। तो गाइस, स्कार का एनिमेशन वगैरह मैं आपको दिखा रहा हूँ, लिटरली यार बहुत ही ओपी होने वाला है। और मतलब जो किल फीड होने वाला है ना इसका, मतलब जब आप किल करने पे भी जो एनिमेशन आते हैं एके में, तो ऐसा है कि जैसे सोल निकल रही बॉडी में से ऐसा दिखता है, बट इसमें मतलब नीचे से जमीन में से शार्क उनको खा रही है ऐसा एनिमेशन आएगा। लिटरली मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा ये, मतलब आप लोग भी देख सकते हो यार कितना ज़्यादा ओपी लग रहा है इसका एनिमेशन। मुझे इस कार बहुत ही अच्छी लगी है, लिटरली बोलूँगा ये बहुत ही अच्छी लगी है। बट यार ऑलरेडी क्यूपिड कार तो मैं निकालने नहीं वाला हूँ। एंड इसके अलावा जो हमें मैगलोडॉन की थीम पे देखने को मिल रहा है गाइस, तो हमें एक लूट बॉक्स देखने को मिल रहा है, साथ साथ एक नॉर्मल वाला बैकपैक देखने को मिल रहा है। तो मैगलोडॉन ये जो स्कार है ये भी मोस्ट प्रोबेबली कि हमें फेडेड व्हील इवेंट में ही देखने को मिलेगी। तो ये लूट बॉक्स हमें उसी में ही एज अ साइड रिवॉर्ड, मतलब सेकेंडरी रिवॉर्ड देखने को मिल सकता है। लूट बॉक्स मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है वैसे सच्ची बताऊँ तो, बाकी बैग तो नॉर्मली हो सकता है कि ये भी हमें फेडेड व्हील इवेंट में ही देखने को मिल जाए। तो मोस्ट प्रोबेबली है कि मैगलोडॉन स्कार भी हमें फेडेड व्हील इवेंट में ही देखने को मिलेगी। कब तक देखने को मिलेगी ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, बट जिस हिसाब से लीक आ रहे हैं ना यार, मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगी। सो गाइस, अब हम नेक्स्ट टॉप अप रिवॉर्ड के बारे में बात करने वाले हैं, मतलब सीधी सीधी बात है कि हम क्रोनो कैरेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइस, कंफर्म हो चुका है कि क्रोनो कैरेक्टर हमें देखने को मिलेगा हमारे टॉप अप रिवॉर्ड में। तो गाइस, देख सकते हो 19 दिसंबर को हमारा न्यू टॉप अप रिवॉर्ड देखने को मिल जाएगा और इसमें लिखा हुआ है क्रोनो अवेलेबल टॉप अप 100 डायमंड। तो सिर्फ आपको 100 डायमंड का टॉपअप करना पड़ेगा और आपको क्रोनो कैरेक्टर मिल जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा ओपी बात है गाइस। सिर्फ 100 डायमंड्स में, मुझे तो लगा था कि शायद 500 डायमंड्स में क्रोनो कैरेक्टर देखने को मिलेगा, बट नहीं, गरीना ने कंफर्म कर दिया कि सिर्फ 100 डायमंड्स में आपको क्रोनो कैरेक्टर देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ 19 तारीख को आपको पारायण की स्किन भी फ्री मिल रही है लेजेंडरी वाली, तो भूलना मत यार लॉगिन करना। एंड कुछ वाउचर्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं और हमारा फीमेल बंडल भी हमें उस टाइम पर देखने को मिल जाएगा एब्सोल्युटली फ्री। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा जानकर कि 100 डायमंड के टॉपअप में ही क्रोनो कैरेक्टर मिल रहा है। अब ना इजीली बहुत सारे लोग ले पाएंगे उस कैरेक्टर को, 100 डायमंड में क्रोनो कैरेक्टर मिल रहा है मतलब उसका कंप्लीट सेट, मतलब कंप्लीट बंडल मोस्ट प्रोबेबली कि 500 डायमंड में हमें मिल जाएगा। सो गाइस, अब हम आते हैं हमारे विंटरलैंड इवेंट के बारे में। बट गाइस, उससे पहले आप लोगों को मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा यार, वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो डेफिनेटली इंजॉय कर रहे होंगे, और इंजॉय कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो और उसी के साथ साथ जो बेल आइकन आ रहा है उसको भी ऑल पे सेट कर देना। उससे क्या होगा कि मैं जब भी कोई इवेंट्स अपडेट्स या लीक्स की वीडियो डालूंगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाओगे। तो प्लीज़ जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो। सो गाइस, विंटरलैंड इवेंट कन्फर्म्ड है कि मतलब हमें क्रोनो इवेंट के बाद में देखने को मिल जाएगा और उसके अंदर हमें कुछ न्यू बंडल्स देखने को मिलेंगे। वैसे जो बीच वाला बंडल है वो तो मुझे लग रहा है कि पुराना ही है, और ये टेडी बियर वाला बंडल भी, टेडी बियर नहीं पोलर बियर वाला बंडल भी पुराना ही है, बट शायद से ये नहीं आया जो एलवारो पहन के रखा है। आई डोंट रियली नो, मैं भूल चुका हूँ लास्ट क्या क्या मिला था, बट ये तीनों चीज़ें, तीनों बंडल हमें वापस से देखने को मिल सकते हैं हमारे विंटरलैंड इवेंट में, और हो सकता है कि जो एलवारो का गेटअप है वो हमें फ्री में देखने को मिले। बाकी ये मेल बंडल और जो ये पोलर बेयर वाला बंडल है इनके लिए तो हमें डेफिनेटली कि डायमंड खर्च करने पड़ेंगे। तो विंटरलैंड इवेंट कंफर्म तो हो चुका है, जो कि हमें ऑब्वियसली क्रोनो इवेंट के बाद कभी भी देखने को मिल सकता है। मोस्ट प्रोबेबली कि क्रिसमस से पहले ही हमें विंटरलैंड इवेंट देखने को मिल जाएगा, जो कि यार मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ जिस इवेंट के लिए। आते हैं इस वीडियो के लास्ट टॉपिक के ऊपर, तो इसमें हम बात करने वाले फैक्ट 4 बंडल के बारे में।
यस गाइस ये फैक्ट फोर वाले बंडल जो ऑलरेडी बहुत पहले हमारे गेम में आ चुके हैं तो वो वापस आ सकते हैं गाइस, उनके चांसेस बताए जा रहे हैं कि फैक्ट फोर बंडल हमें रिटर्न देखने को मिल सकते हैं गेम के अंदर। और लिटरली बोलूँ तो हाँ मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ क्योंकि यार चारों बंडल बहुत ही अच्छे थे, उनमें से सिर्फ एक ही बंडल है मेरे पास में जो कि हमारे लेवल अप शॉप में आया था, बट बाकी यार बाकी जो तीन बंडल है ना वो भी बहुत अच्छे थे। तो इस बार अगर मुझे मौका मिला ना वो बंडल वापस से निकालने का तो मैं डेफिनेटली इस बार ट्राई करने वाला हूँ क्योंकि यार ये चारों बंडल ओपी थे, अगर थोड़ा बहुत डायमंड खर्च होते ना इन चारों बंडल्स में तो कोई बुरी बात नहीं थी यार। तो लिटरली मैं तो एक्साइटेड हूँ इन फैक्ट फोर बंडल्स को लेके, आप लोग कितने एक्साइटेड हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड गाइस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं, यही सब चीज़ें थी जो जल्द ही हमें गेम के अंदर देखने को मिल जाएगी। मैं विंटरलैंड इवेंट के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यार। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो एंड कमेंट करके जरूर बताने कि आपको फैक्ट फोर बंडल पसंद है या नहीं। सो गाइस बाय बाय।